हाँ बोलो एम जी भाई तू क्यों बेटा शुरुआत कर रहे हैं जिससे बच्चे आगे बढ़े। बताइए और आप कहाँ से आए? मैं खुशी तोमर हूँ, वो बागपत जिले से आई हूँ, यूपी में बागपत जिले से। मैं यहाँ पे बाड़मेर में, मतलब बाड़मेर में बच्चों को सिखाने के लिए आई हूँ, शूटिंग सिखाने के लिए, जिससे कि इनका भी, मतलब यहाँ पे भी शूटिंग का नाम हो, यहाँ के भी बच्चे आगे बढ़े, कि राजस्थान के भी बच्चे शूटिंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कभी शूटिंग नहीं कराई गई, तो इस वजह से हम इस स्कूल में आए हैं, जिससे कि बच्चे भी आगे बढ़े, यहाँ के भी बच्चे अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और अपना नाम रोशन करें, अपने राजस्थान का नाम रोशन करें। ओके, इसका क्रेडिट हरीश चौधरी जी को जाता है, वो हमारे यहाँ रेंज पर कई बार गए, इन्होंने सब देखा वहाँ और सिस्टम देखा, देखकर इन्होंने लगा कि ऐसा हमारे यहाँ भी होना चाहिए, तो ये उसकी कॉपी करने की कोशिश की और वो इनको समझ में आया, क्योंकि हमारा गेम जो है 100% जॉब एंड करियर ओरिएंटेशन का है। नहीं, यहाँ तो सबसे कम मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ के बच्चे फिजिकली बहुत स्ट्रांग हैं और नेचर के नज़दीक हैं, इसलिए उनमें जो हमारे यहाँ NCR में कमियाँ आती है वो मोबाइल की भी कम है और टेलीविज़न भी कम देखते हैं, डिस्टर्ब भी ज़्यादा नहीं है, तो इसका फ़र्क तो पड़ता ही है। देखिए, हमारे शूटिंग रेंज से मतलब नहीं होता। अच्छा, हमारा एम जो है 20 साल से एकलव्य बनाते हैं, अर्जुन नहीं बनाते। हमारा जो महाभारत का एकलव्य पात्र है वो है, गरीब लोग अपनी मेहनत से, अपने दिमाग से, अपनी स्किल से करते हैं, यही हमारा 20 साल का मिशन है। अभी देखिए एशियन गेम में हमारे गांव के बहुत से बच्चे के 41 इंटरनेशनल बने, वहाँ से सारे रूरल एरिया के हैं। अभी रिजल्ट आप देख लीजिए, सारे रूरल एरिया के बच्चे आ रहे हैं, जो फिजिकली स्ट्रांग है, जो मेंटली स्ट्रांग है, जो पढ़ने के लिए बैठता है तो 2 घंटे तक कंसंट्रेशन से पढ़ता है, उन्हीं बच्चों को हम शूटिंग डालते हैं। मैं तो पहले से ही 20 साल से मैं सिर्फ गांव के बच्चों को सिखाता हूँ, 98 के बाद तो मैं अमीरों को भी नहीं सिखाता, सिर्फ गांव के बच्चों को सिखाता हूँ, तो मेरा मिशन ही दिया था और ये मेरा सोशल वर्क है, इसमें मैंने कभी किसी से आज तक कोई काम नहीं लिया, सब ऑलरेडी करता हूँ। और ये अपने मैं, चूँकि मैं CMO था, मैं दिल्ली डॉक्टर था, तो मैं तो सैटरडे के दिन अपने गाँव के लिए करता था, क्योंकि एक नियम है जो जिस गाँव का रहने वाला उसके प्रति उसका ऋण है, उतारना चाहिए, मैंने वो प्रयास किया। हरीश चौधरी भी यहाँ के पैदा है और यहाँ उनका कार्य क्षेत्र है, उनका एक समाज का उतारना चाहिए, इसमें किसी कोई वो एहसान नहीं कर रहा।